हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट फेस्ट। आज मैं बना रही हूँ एक अनोखे तरीके का चिकन बिरयानी, गार्लिक फ्राइड राइस चिकन बिरयानी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी उबाल लेते हैं राइस बॉईल करने के लिए। मैं पानी में डाल रही हूँ सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल। 1 घंटे तक मैंने सोक किया हुआ बासमती राइस डाल रही हूँ। मैंने 1/2 kg बासमती राइस यूज किया है। चावल को हमें सिर्फ 50% तक ही बॉईल करना है। देखिए ये टूट रहा है, मतलब 50% बॉईल हो चुका है। अब ये चावल को स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। ले रही हूँ 1/2 kg चिकन। इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, 2 टेबलस्पून चिकन बिरयानी मसाला। आप कोई भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। इसके साथ में डाल रही हूँ 3-4 टेबलस्पून थिक कर्ड, 1/4 teaspoon केवरा एसेंस को 2-3 टेबलस्पून वाटर में मिक्स करके डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। 1/2 lemon का जूस और 2 टमाटर की प्यूरी। अब इसमें डाल रही हूँ फ्राइड ऑनियंस। ये पूरा 1/2 kg चिकन बिरयानी के लिए मैंने यूज किया है 1/2 kg फ्राइड ऑनियंस। इसमें डालते हैं 1 cup ऑयल। अब ये सारे चीजें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले चिकन में अच्छे से मसाज कर लेते हैं। देखिए अब ये तैयार है। अब ये चिकन को मैं कुक कर रही हूं। हम इस चिकन को सारे मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेते हैं। देखिए अब ये बॉईल आ रहा है। इसमें डालते हैं 1 cup पानी। इससे हमारा बिरयानी बेस के लिए अच्छा ग्रेवी बन जाएगा। ज्यादा ऑयल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 15-20 मिनट के बाद चिकन अच्छे से पक के तैयार है। हमें 90% तक चिकन को अच्छे से कुक कर लेना है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब एक पैन में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें चावल के लिए तड़का लगाते हैं तेज पत्ता, स्टार फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिरी, 1 teaspoon जीरा और 1/2 teaspoon शाही जीरा। अब हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं 2.5 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक। ये गार्लिक को और सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है हमें। हल्का सा गोल्डन होने तक हम लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे। देखिए अब ये तैयार है। अब इसमें डालते हैं फाइनली चॉप्ड धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीने को भी अच्छे से हम भून लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। अब डालते हैं 50% तक बॉईल किया हुआ बासमती राइस। अब ये राइस में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल और 1/2 lemon का जूस। अब ये सारे चीजें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, चावल को टूटने नहीं देंगे। ये मिक्स करके रेडी है। अब ये राइस रेडी है और हमारा चिकन बेस भी रेडी है। चावल को चिकन बेस के ऊपर हम प्लेस कर लेते हैं। 1/2 हिस्से का राइस का मैंने लेयर बना लिया है। अब इसके ऊपर डालते हैं फ्राइड पोटैटोस।
पोटैटो क्यूब्स को सॉल्ट और हल्दी से मैंने मैरिनेट करके डीप फ्राई किया है, और साथ में डालते हैं थोड़ा बचा हुआ फ्राइड ऑनियंस। फिर से इसको कवर कर लेते हैं बचा हुआ 50% राइस से। ऊपर गार्निश करते हैं फ्राइड ऑनियंस से। अब इसे हम सिल्वर फॉइल से कवर कर लेते हैं और लिड से क्लोज करेंगे। लिड के होल को हम फॉइल से कवर कर लेते हैं। अब इसे कुक करते हैं हम लो हीट में 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पक के हो चुका है। अब इसे ओपन करके देखते हैं। बहुत ही खुशबूदार है, गार्लिक का स्मेल अच्छे से आ रहा है। देख सकते हैं चावल कितना अच्छे से बना है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। बहुत ही अच्छे से चिकन बिरयानी बनके तैयार है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। इस बिरयानी का बहुत ही अच्छा सा खुशबू है गार्लिक का, और बिरयानी का ग्रेवी भी परफेक्ट है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं चिकन बिरयानी में गार्लिक फ्लेवर। देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। इनको बहुत ही अच्छा लगा है, गार्लिक का फ्लेवर बीच बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है राइस में। पोटैटो भी मैरिनेट करके फ्राई करके डालने से इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। पोटैटो बहुत ही क्रीमी लग रहा है। रेगुलर दम बिरयानी से ये बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। चिकन को पहले से कुक करने के वजह से ये बहुत ही टेस्टी बना है। चिकन अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी सॉफ्ट है। चिकन, पोटैटो, राइस सब जगह बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा से आ रहा है। आप जरूर इस तरीके से बिरयानी बना के देखिए। आई एम श्योर सबको बहुत ही अच्छा लगेगा।
हम इसे एंजॉय करते हैं, ये अनूठे तरीके का फ्राइड लहसुन की बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।